नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। आज हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आज की क्लास की करने वाले हैं शुरुआत। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइज 2020 आपके दिए जा चुके हैं, सभी वैज्ञानिकों को आपके दिए जा चुके हैं, और सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे लिए बन जाता है कि आखिर हम लोग उन वैज्ञानिकों के नेम कैसे याद रखें, जिन वैज्ञानिकों के, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि 6 अलग अलग कैटेगरीज में नोबेल पुरस्कार आपके दिए जाते हैं, उनमें से कई ऐसी कैटेगरीज होती हैं जहां पर एक साथ तीन तीन वैज्ञानिकों को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दे दिए जाते हैं। उनके नाम थोड़े से अजीबोगरीब होते हैं, एग्जाम में उनको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें कोई ट्रिक ऐसी मिल जाए जिसके माध्यम से हमें ये याद रहे कि इन तीन वैज्ञानिकों को फिजिक्स के क्षेत्र में या फिर इन तीन वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री की कैटेगरी में यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया है, तो हमें बहुत कुछ ऐसा है कि जो एग्जाम में याद दिला सकता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो इस साल के फिजिक्स नोबेल प्राइज के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो एंड्रिया घेज आपके लिए, चारों के तीनों के तीनों वैज्ञानिकों के नेम जो है वो आप सभी के सामने है। इस साल के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार आपके एंड्रिया घेज, जो कि आपकी फीमेल बनती है, रोजर पेन रोज और रेनहार्ड जेंजिल को इस साल के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमें इन तीनों वैज्ञानिकों के नेम याद रखने हैं और हमें वो कैटेगरी याद रखनी है जिस कैटेगरी में इनको दिया गया है। और ये हम सभी लोग जानते ही हैं कि इनको ब्लैक होल और उसकी स्टडीज के लिए, ब्लैक होल और उसकी स्टडी के लिए और एक नए ब्लैक होल के डिस्कवरी के लिए यहाँ पर ये नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया है। तो डिस्कवरी वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट या इनमें से किस साइंटिस्ट को फिजिक्स नोबेल पुरस्कार का जो नोबेल प्राइज है वो नहीं दिया गया है, मतलब कि इसमें से किस रेसिपिएंट ने नोबेल पुरस्कार रिसीव नहीं किया है, मान लीजिए तीन ऑप्शन तो आपके यही हैं, चौथा ऑप्शन कुछ और दे दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि इनमें से किसको फिजिक्स के लिए दिया गया है और किसको फिजिक्स के लिए नहीं दिया गया है। सबसे अच्छी बात इस ट्रिक की आपकी ये रहेगी कि यहाँ पर आपको वैज्ञानिकों के नेम को लर्न नहीं करना है, आपको केवल ट्रिक याद रखनी है। आपको वैज्ञानिकों के नाम याद करना ही नहीं है, वो आप ऑप्शन से फाइंड आउट करोगे जब आप एग्जाम में आप बैठे होंगे। कैसे सर, थोड़ा सा समझाइए। जैसे कि आपको इन तीन वैज्ञानिकों के नामों को ध्यान से देखिएगा, एंड्रिया घेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड जेंजिल, इन तीनों वैज्ञानिकों को इस साल के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार के लिए दिया गया है या फिजिक्स नोबेल पुरस्कारों के लिए आपका चुना गया है, तो सर हम इनको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनेगी। मान लेते हैं यहाँ पर कि एक छोटी सी बच्ची है, इस बच्ची का नाम एंड्रिया बनता है। ये छोटी सी बच्ची जो आपको सामने नजर आ रही है, इस छोटी सी बच्ची का नाम क्या है? इस छोटी सी बच्ची का नाम एंड्रिया है। एंड्रिया को अपना फिजिक्स का पेपर लिखने के लिए, देखिए अगर कोई भी अपना पेपर लिखने जाता है, एग्जाम देने जाता है, तो वहां पर पेन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो और रोज पढ़ती है, जितने बार आप एग्जाम देने जाओगे रोज ही आपको पेन की जरूरत पड़नी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पेन की जरूरत रोज पड़नी है, पेन की जरूरत रोज पड़नी है, पेन की जरूरत रोज पड़नी है। तो यहाँ पर इन तीन वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक के नेम का सरनेम बनता है पेन रोज। मेरी बात समझ में आई? तो एंड्रिया नामक बच्ची को अपना फिजिक्स का पेपर लिखने के लिए पेन की जरूरत पड़ती है। वो अपने एक मित्र से उस पेन को मांगती है, लेकिन वो पेन उसे पसंद आ जाता है, वो उस पेन को चुरा लेती है, लेकिन पेन को चुराने की वजह से उसे क्या हो जाती है? जेल हो जाती है। आपको कुछ ऐसे याद रखना है, पेन को चुराने की वजह से क्या हो जाती है? उसको जेल हो जाती है। बच्ची का नाम एंड्रिया है, उसने पेन रोज मांगा एक स्टूडेंट से, अपने एक मित्र से रोज पेन मांगा, और एक दिन पेन को चुरा लिया, पेन को चुराने की वजह से उसको क्या हो गई? यहां पर जेल हो गई। तो बस आपका काम यहां पर हो गया। आपको क्या याद रखना है कि एंड्रिया को फिजिक्स के पेपर के दौरान, फिजिक्स मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि आप लोग यहां पर यह ना भूलें कि यह पर्टिकुलर ट्रिक आपके फिजिक्स के सेक्शन के लिए है, फिजिक्स की कैटेगरी के लिए है। एंड्रिया को फिजिक्स के पेपर के दौरान पेन चुराने पर जेल जाना पड़ा। बस आपको ये दो लाइनें याद रखनी है। एंड्रिया को फिजिक्स के पेपर के दौरान पेन चुराने की वजह से कहां जाना पड़ा? पेन चुराने की वजह से जेल आपका जाना पड़ा। एंड्रिया कौन है? एंड्रिया ये आपकी बच्ची है, और पेन रोज लेती थी, और एक दिन पेन चुरा लिया, तो पेन से आप रखेंगे पेन रोज। तो एंड्रिया नामक शब्द से याद रखेंगे आप पहले वैज्ञानिक का नाम एंड्रिया घेज, ठीक है? फिजिक्स के पेपर के दौरान तो नोबेल ट्रिक जो आपकी बनती है, नोबेल प्राइज की ट्रिक बनती है, वो फिजिक्स के लिए बनती है। किसके वजह से उसे जेल जाना पड़ा? पेन को चुराने के लिए, क्योंकि वो पेन रोज मांगती थी, तो रोजर पेन रोज, तो पेन रोज से आपको याद आ जाएगा पेन रोज है, तो एंड्रिया पेन रोज चुराती थी या रोज मांगती थी, और उसको एक दिन इसके लिए क्या हुआ? जेल हो गई, उसको जेल जाना पड़ा। तो तीसरे वैज्ञानिक के नेम में सरनेम में बनता है रेनहार्ड जेंजेल। तो एंड्रिया को फिजिक्स के दौरान पेन चुराने के लिए जेल जाना पड़ा, तो एंड्रिया से एंड्रिया घेज,
फिजिक्स तो फिजिक्स कैटेगरी, और पेन चुराने की वजह से तो रोजर पेन रोज, और रेन हार जेन जेल आपका बनेगा क्योंकि यहाँ पर जेल हो गई है। उम्मीद है ये ट्रिक आपको फिजिक्स के वैज्ञानिकों के नेम को लर्न करने में आपको मदद करेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दूसरी कैटेगरी जैसे कि केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, अगर आप दूसरी कैटेगरीज में भी चाहते हैं कि सर इसी तरह से वैज्ञानिकों के नेम हमें याद करा दीजिए, अगर इन तीन में से चौथा जो भी ऑप्शन आएगा आप इस पर्टिकुलर ट्रिक से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर वैज्ञानिकों के नेम याद नहीं करने हैं। वैज्ञानिकों के नेम तो आपको वहां पर ऑप्शन में मिलेंगे, आपको फाइंड आउट ये करना है कौन है और कौन नहीं है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे और ये बात आपको यहां पर क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स की दूसरी कैटेगरीज के नोबेल पुरस्कारों को याद रखने की भी कुछ ही ऐसी कोई ट्रिक बनाई जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि सर आप दूसरी कैटेगरीज के लिए भी इसी तरह से ट्रिक बना दीजिए, ताकि हम लोग हर पर्टिकुलर कैटेगरी की ट्रिक याद कर लें और आगे आने वाले एक साल तक, जब तक अगले नोबेल पुरस्कार आपके नहीं दिए जाते, तब तक ये पुरस्कार आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बने रहेंगे। उम्मीद है आज की क्लास और आज की ट्रिक आपको पसंद आई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनअकैडमी के सभी प्लस कोर्सेज की जो फीस है वो आपकी इंक्रीज होने वाली है, और अगर आपने प्लस कोर्स को ज्वाइन करने का मन बना लिया है तो कोई भी एग्जाम हो आपका टारगेट कोड आपका लगेगा टारगेट 10, कोई भी एग्जाम हो आपका टारगेट कोड आपका लगेगा टारगेट 10, आप तुरंत टारगेट 10 कोड को यूज करें और यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करें और फीस बढ़ने से पहले प्लस का कोर्स यहां पर आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है। साथ ही साथ आप मेरे साथ अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी के एसएससी सेक्शन पर आप मेरे नाम को वहां पर सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम है अंकित गुप्ता, आप एसएससी सेक्शन पर जाकर मेरा नाम सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहां पर मैं अभी आपको जीएस के कोर्स में हिस्ट्री टीच कर रहा हूं, थ्योरी कोर्स है, आप इस कोर्स को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको 7 मिनट ट्रिक्स आज की पसंद आई होगी, इसलिए आप चाहें तो 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्रिप्शन के बाद अभी तक बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किया है तो फटाफट से बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। अगली बार फिर होगी मुलाकात आपसे एक और 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।